हेलो स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द इनवर्स मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेंड। मतलब जो मैट्रिक्स गिवन है, कौन से ऐसे मैट्रिक्स है, कौन से ऐसे मैट्रिसेस है जिसका इनवर्स पॉसिबल है, किस मैट्रिक्स का, ऑप्शन में से किस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है, इनवर्स ऑब्टेंड किया जा सकता है। ठीक है, देखिए तो इनवर्स के जो कंडीशन है, पहले वो देखते हैं कि इनवर्स कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स कब निकाला जा सकता है, कब पॉसिबल है इनवर्स निकालना। सबसे पहले किसी भी मैट्रिक्स का यदि इनवर्स निकालना हो तो दो कंडीशन ध्यान में रखना होता है कि सबसे पहला कंडीशन ये होता है कि कोई वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होना चाहिए। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या हुआ कि वो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाए, नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब क्या जीरो नहीं होना चाहिए। किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन है कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए। और दूसरा कंडीशन है क्या, वह मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, गिवन मैट्रिक्स मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो क्या होना चाहिए, जो ए है ए मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि ये दोनों कंडीशन फुलफिल होता है, यदि ये दोनों कंडीशन फुलफिल होता है तभी हम उस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर कि सबसे पहले तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब क्या ए मैट्रिक्स का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ तो आप देखिए ये तो पहले स्क्वायर मैट्रिक्स है ही नहीं। ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखिए कितने रो है, 1 2 3, ये 3 रो है। ठीक है, ये 3 रो है और 2 कॉलम है। इसका मतलब क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए जितने रो है उतने कॉलम होना चाहिए। इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, लेकिन जब इसका आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे, जब इसका डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कीजिएगा तो इस मैट्रिक्स का जो वैल्यू होगा वो जीरो के बराबर हो जाएगा। कैसे पता चला ये बात, क्यों, क्योंकि देखिए इसके जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट में क्या आ गया, जीरो आ गया। यदि किसी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट, एक भी डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू, उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट निकाला जाए तो वो जीरो होता है। तो ये जीरो हो गया, ये भी इसका भी इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। चलते हैं अब इस ऑप्शन को देखते हैं, सी ऑप्शन को। ये क्या है, 3x3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, 3x3 का 3 रो है और 3 कॉलम है, तो ऑर्डर 3 है, तो ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब क्या इसका वैल्यू जीरो है, देखिए जीरो इसका वैल्यू नहीं होगा क्योंकि देखिए जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसमें सब एलिमेंट्स प्रेजेंट है, एक भी एलिमेंट जीरो नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इसका मतलब क्या, ये मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू जीरो भी है और ये मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब कितना, जितना रो होना चाहिए उतना कॉलम भी होना चाहिए। तो ये सी ऑप्शन का इनवर्स निकाला सकता है, जो मैट्रिक्स गिवन है सी में इसके इनवर्स पॉसिबल है। डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन में क्या है, ये 2x3, मतलब क्या, इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। तो जो गिवन मैट्रिक्स है इसका इनवर्स पॉसिबल है क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी है, ये इसका वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है और ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, इसीलिए सी ऑप्शन होगा। तो ये ऑप्शन सी सही है, क्वेश्चन नंबर 16 के सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इफ ए इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स दिया गया है और बी भी एक गिवन मैट्रिक्स है, तो बोला जा रहा है कि इसके जो मल्टीप्लीकेशन, देखिए ऑप्शन देखिएगा तो आपको पता चलेगा जो ऑप्शंस है, ऑप्शन देखिए क्या है, ए बी बी ए एग्जिट एंड इक्वल। ये चेक करना होगा कि सबसे पहले तो ये चेक करना होगा जो गिवन मैट्रिक्स है इसका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है कि
मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। आप देखिए यहाँ पे जो आपने देखा, जो मैंने बताया, क्या बताया कि ए बी और बी ए का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अब देखना है कि दोनों इक्वल है कि नहीं। तो इक्वल है कि नहीं, आप इसके ऑर्डर को देख करके बता सकते हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन इक्वल है कि नहीं। तो पहले इसके ऑर्डर की बात करूँ, मैम ए बी आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर यदि आप फाइंड आउट करेंगे, देखिए ए बी का ऑर्डर क्या होगा। ए बी का ऑर्डर आप फाइंड आउट कीजिएगा, देखिए जो ये क्या है, ये देखिए आपके पास मल्टीप्लीकेशन करने पर क्या होगा, ये दोनों कॉमन है तो जो आपका ऑर्डर बनेगा 2/2 का ऑर्डर बनेगा यहाँ पर, ठीक है। ऑर्डर कैसे फाइंड आउट होता है कि जो कॉमन पार्ट, जो कॉलम है, और इसके पहला का कॉलम और दूसरे का रो को आप क्या कीजिए, उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है और इसका रो और उसके कॉलम को लिया जाता है, तो वो ऑर्डर बनता है किसी भी मल्टीप्लीकेशन करने के बाद, ठीक है। उसी तरह से आप BA का जब आप ऑर्डर निकालेंगे, BA का ऑर्डर कैसे निकलेगा, आप पहले इसके ऑर्डर को देखिए, इसका ऑर्डर क्या है, B का ऑर्डर है 3x2 ऑर्डर है, ठीक है। और A का ऑर्डर क्या है आपके पास, A का ऑर्डर क्या है 2x3 है, ठीक है। अब देखिए ये 2 और 2 कॉमन है तो जो आपका ऑर्डर बनेगा BA का क्या होगा, वो 3x3 ऑर्डर होगा, इसका 3x3 ऑर्डर होगा। अब आप बताइए कि कभी भी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2x2 है, 2x2 है, और एक मैट्रिक्स है जिसका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो ऑर्डर आया 3x3 आया, 3x3 आया है, तो क्या दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगा, इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इसका ऑर्डर अलग है, ठीक है। इसका ऑर्डर अलग है, यहाँ मैं ऑर्डर की बात करूँ, ये ऑर्डर इसका 2 है और इसका ऑर्डर 3 है, इसीलिए दोनों का वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगा, और इसलिए आप बोल सकते हैं ए बी एंड बी ए एग्जिस्ट बट They are not equal। दोनों के जो वैल्यू है, दोनों के ए बी और बी ए सेम नहीं होगा। एग्जिस्ट तो करेगा, मतलब क्या मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल है, लेकिन इसका जो है वैल्यू इक्वल नहीं होगा। तो ऑप्शन डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लेट ए, एक मैट्रिक्स आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मतलब क्या, एक गिवन मैट्रिक्स है और ये बोला जा रहा है कि इसमें जो मैट्रिक्स है उसमें कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही स्टेटमेंट है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट देखिए क्या बोल रहा है, ए इज अ जीरो मैट्रिक्स, ए इज अ जीरो मैट्रिक्स, क्या स्टेटमेंट ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है, ये आपको चेक करके देखना पड़ेगा सही है कि नहीं। दूसरा है ए इक्वल टू -1i3, मतलब क्या इसका जो भी वैल्यू है वो क्या होगा, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसके माइनस टाइम्स है, ठीक है। और ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट एंड ए स्क्वायर, मतलब मैट्रिक्स का स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल रहा है, यूनिट मैट्रिक्स है, ये है कि नहीं, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये फाइंड आउट आपको करना है। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करने के लिए ए जीरो मैट्रिक्स है, इसे फाइंड आउट क्या है कि जो गिवन मैट्रिक्स है, तो ये ए मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स, ये है कि नहीं, पहले ये फाइंड आउट कीजिए। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ देखिए डायगोनल एलिमेंट्स ना दिख रहे हैं, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, ए यदि मैट्रिक्स है तो ये मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स नहीं होगा, क्योंकि सभी डायगोनल एलिमेंट्स अवेलेबल है, सभी डायगोनल एलिमेंट यहाँ हैं, इसलिए ये मैट्रिक्स जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या, ये जीरो मैट्रिक्स नहीं, ये एज जीरो मैट्रिक्स, ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है। दूसरा डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है, और अब सी ऑप्शन चलते, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, जब आपके पास ए नॉट इक्वल टू जीरो है, जब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इनवर्स पॉसिबल है, ठीक है, इसका इस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है ना वो जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए क्या है ए इनवर्स, इसका जो इनवर्स फंक्शन है पॉसिबल है। तो ए इनवर्स आप यहां से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ए इनवर्स पॉसिबल है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा कि बोले डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है कि ए इक्वल टू -1i3, i3 क्या हुआ, i3 मैट्रिक्स आदि मैं बोलूं तो ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ, और इसका जो ऑर्डर 3 है, इसका मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मैट्रिक्स हुआ। और यहाँ क्या बोल रहा है कि
कि जो भी आइडेंटिटी उसके साथ माइनस वन लगेगा, तो आप माइनस वन इससे यदि मल्टीप्लाई करते हैं, यदि माइनस वन इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई कीजिए माइनस, ये बन जाएगा माइनस और ये माइनस, तो क्या ये मैट्रिक्स, तो क्या ये ए के बराबर है क्या? देखिए ये चीज और ये चीज सेम है क्या? सेम नहीं है, क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट्स को देखिए आप इस डायरेक्शन में है और ये डायगोनल मैट्रिक्स इस डायरेक्शन में, इसीलिए जो माइनस आई थ्री है, जो माइनस आई थ्री ये वैल्यू है वो इसके बराबर नहीं है, ये इस ए के बराबर नहीं है, क्योंकि ए का डायगोनल एलिमेंट इस तरह से है और ये जो आप फाइंड आउट किए ये इस तरह से है, इसलिए क्या बोल सकते हैं कि बी ऑप्शन भी नहीं है। तो अब ए स्क्वायर जो मैट्रिक्स का स्क्वायर है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है कि नहीं ये फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो ए है इसे दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दो बार गुणा करना पड़ेगा, तो आप करके देख लीजिए क्या है आपके पास। ए स्क्वायर का मतलब हो गया आपके पास क्या, जीरो जीरो माइनस वन, जीरो माइनस वन, जीरो 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 माइनस वन, ठीक है, ये एक बार हुआ कि स्क्वायर इसलिए दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो जीरो माइनस वन, जीरो माइनस वन जीरो और जीरो जीरो माइनस वन जीरो और जीरो, ये इसको मल्टीप्लाई करने पर आप यदि इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इजीली आपके पास जो आएगा वो एक आई मैट्रिक्स आएगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, इसे आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, सिंपली आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख लीजिए मल्टीप्लाई करने पर ये रो को हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है और उसे एलिमेंट के तौर पर लिखा जाता है। तो लिखिए ये देखिए जीरो जीरो और ये होगा क्या वन बनेगा ये, ठीक है, फिर से ये एलिमेंट्स जीरो, इसके साथ भी जीरो और इसके साथ भी जीरो, ये जीरो बनेगा, ये जीरो बनेगा, जीरो वन जीरो और जीरो जीरो वन, सिंपल एक मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और आप देखिए ये जो एलिमेंट्स आएंगे ये एक क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एक यूनिट मैट्रिक्स है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ए स्क्वायर किसके बराबर है, आई के स्क्वायर है, तो ऑप्शन डी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। तो इस तरह से इन कॉन्सेप्ट का यदि आप ध्यान रखेंगे, इन कॉन्सेप्ट को देखते हुए सारे स्टेटमेंट क्या है गलत है, सिर्फ डी ऑप्शन जो है, डी स्टेटमेंट जो है, डी ऑप्शन डी के जो स्टेटमेंट है वो सही स्टेटमेंट है।